दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो अभी आप सुबह सुबह मेरे को देख रहे होंगे गाड़ी में, क्योंकि मैं घर से तुरंत ही जल्दी में हम लोग निकले हैं। गौर साहब और माँ मेरे को लेने के लिए आ गए, क्योंकि आज है मेरा लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड। तो हम मतलब ये बहुत मेजर दिन है, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड बहुत मेजर होता है और क्रूशल भी होता है सारी चीज़ें। तो आज हमें ठीक से सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो माँ ये रही, माँ गुड मॉर्निंग। नहीं गौर साहब भी ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं कैमरा उधर मॉर्निंग कह रहे हैं गौर साहब आप सभी को। तो सभी को गौर साहब की तरफ से राधे राधे। तो अभी हम चलते हैं अपने अल्ट्रासाउंड के लिए और फिर बताएंगे कैसा रहा। माँ और गौर साहब जो सुबह सुबह ही घर लेने के लिए आ गए, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ रहती है। तो हमने सुबह का ही अपॉइंटमेंट ले लिया था अर्ली मॉर्निंग का। तो अब चलते हैं, उससे यहाँ चल रहे हैं, हमारा वेटिंग टाइम अभी। माँ और गौर साहब बैठे, गौर साहब राधे राधे। जय जय श्री राधे, कैसे हैं सभी? अभी हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद जाएंगे अंदर, क्योंकि भीड़ काफ़ी है। इतना सुबह सबसे पहले नंबर लगवाने के बाद इतनी भीड़ है, तो बट देखते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छा है अल्ट्रासाउंड का सारा। तो जी हमारा अल्ट्रासाउंड अब हो गया है, अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। रिपोर्ट्स हमने ले ली हैं, डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है। तो अभी बाकी हमें रिपोर्ट्स हमने देखी नहीं, पता नहीं है। डॉक्टर से आके कंसल्ट करेंगे कि कैसी हैं सब चीज़ें, क्या हैं। वहाँ मेरे को आने लगे तो चक्कर, क्योंकि हम खाली पेट आए थे। मुझे कहा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए या जो भी है, बट इतना एक तो वेटिंग टाइम की काफ़ी भीड़ थी, तो इस वजह से। बट अब हम चलते हैं डॉक्टर के यहाँ, उससे पहले कुछ खा लेंगे। हम अभी कुछ खाने के लिए उतर गए, क्योंकि मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, चक्कर आए, इससे बेटर तो कुछ खा ही दें। हम आ गए हैं हॉस्पिटल गवर्नमेंट के। अब पहले चेकअप करा लेते हैं, सारी चीज़ें पूछ लेते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। जी हम डॉक्टर मैम के पास आ गए हैं, लेकिन अभी मेरा लेवल 2 वगैरह सारी चीज़ें ठीक है। मैम बताएंगे आप? मेरा वेट कम है, तो आप डॉक्टर, हाँ मतलब मेरे को वेट तो अब मिलिए। बहुत हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, इसको अपनी डाइट में सोयाबीन, चना, दाल, पनीर ये सब चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, प्रोटीन बिस्किट्स लेने पड़ेंगे, प्रोटीन पाउडर पीना पड़ेगा। अब शिवी बात मानेगी और अब की बार 1.5 kg एटलीस्ट गेन करने लेकर आएगी। तो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर मानसी सचदेवा जी से, जो मैम है और बहुत 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 अच्छे से, बहुत हेल्पफुल, सारी चीजों के लिए आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकती हैं। तो मैं तो पूरी तरह से, मतलब हम तो सच में, मतलब यहाँ पे डाट भी बढ़ेगी थोड़ी, क्योंकि वेट पुट ऑन नहीं हुआ है मेरा। बिल्कुल फैमिली, मतलब ये चीज और एक्सप्लेन करो शिवी, कि बिल्कुल फैमिली की तरह यहाँ पर मैम सबको ट्रीट करती है और सारी चीजें बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता सच में। क्योंकि तो, मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो मतलब वो होती है ना बीमारी या कोई भी चीज ऐसी होती है, ये डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि हम जब डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं तो उनका जो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, तो आधा तो मर्ज और आधी परेशानी तभी समाप्त हो जाती है जब वो उनका जो बिहेव होता है, जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं। तो वाकई में मैम का जो बिहेव, सारी चीजें बिल्कुल प्रेशर है, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी है। हमारे लिए नहीं, मैंने कल भी एक हमारे मिलने वाले हैं, मेरे मित्र हैं, उनको भेजा था, तो वो भी एकदम बहुत ज्यादा हाईली सेटिस्फाइड होकर गए हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस उनकी प्रेगनेंसी है ये वाली। ठीक है जी, और अभी मैम ने ये भी बताया कि मैम जो ट्रैवलिंग आराम आराम से करनी है, जहां भी जाना है बहुत केयरफुली जाना है। ये और बता दीजिए मैम कि जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, एक तो ट्रैवलिंग और दूसरा जो सबसे ज्यादा जो सावधानी हमें किस ट्राइमेस्टर, सबसे सेफ पीरियड फॉर ट्रैवलिंग सेकंड ट्राइमेस्टर है। सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब कि आप 13 weeks to 28 weeks में आप ट्रैवल कर सकते हैं। सेफेस्ट इज द ट्रेन ट्रैवल, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर फ्लाइट ट्रैवल, बट फ्लाइट ट्रैवल में प्रेशर चेंजेस होते हैं थोड़े, ठीक है, बट इट इज बेटर देन रोड ट्रैवल, बिकॉज रोड में आपको नहीं पता कि रोड कैसी होगी, है ना, तो झटके लग सकते हैं। तो धीरे 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 हर चीज आराम आराम से करनी है, कोई भी नीचे कुछ झटका नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो आप सब लोग भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा केयरफुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अब हम आ गए घर और यहाँ से गौर साहब को वापसी छोड़ के आएंगे घर। बस मैं थोड़ा कपड़े देखूंगी, दवाई वगैरह देखूंगी, कुछ कई दवाई यहाँ पर रह गई थी वो लूंगी। जी सर नमस्ते,
और ये हमारी चाची नींद में हो क्या? चाची राम राम। ये देखिए हमारे दुल्हन का सोने का तरीका, इसकी ना आंखें दिख रही ना इसका मुंह सही पे। दुल्हा देखी ना आंखें, डुल्लू बेबी पुचू पुचू। तो जी हम घर आ चुके हैं और हमने डॉक्टर साहब से भी आपकी बात कराई थी, उन्होंने भी कुछ सजेशन दिए। बारी बारी में हम लोग जब भी जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि उनसे कोई और अच्छी टिप्स लेकर के आएं या उनसे पूछ करके शिवी अपने माध्यम से आपको जो है बताएं। बाकी अरे रुक जाओ भाई, बाकी अल्ट्रासाउंड भगवान जी की असीम कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से काफ़ी अच्छा रहा, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी का तो आज का भगवान जी की कृपा से फिर मतलब सब चीज़ें ठीक रही, सारी चीज़ें ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा है कि बस वेट पुट ऑन करना है मुझे, पाँच सौ ग्राम पुराना कवर करना है, मैं ये कह रही हूँ, और एक किलो एटलीस्ट बढ़ाना है। तो मैं 2 किलो पुट ऑन करने की सोचूंगी तब जाकर 1.5 बढ़ेगा। मतलब ऐसे तुम दिमाग मत लगाओगे तुम्हें 2 किलो पुट ऑन करना है, बट तुम फ्रीजी माइंड से ना अच्छे दिमाग से खाने पीने पर फोकस करो। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अजीब सिस्टम है वैसे, पहले ना वो वेट पुट ऑन नहीं करना हो तो इतना हो जाता है भाई कि 60 मेरा पहले एवरेज चल रहा था और मैं कह रही हूँ मुझे घटाना है, अब घट गया तो आप कह रहे कि नहीं अब बढ़ाना है भाई, अब तो बढ़ा। और जबकि बढ़ाना सबसे आसान काम है, घटाना मैं बहुत ज्यादा। ऐसा क्या चीज खाएं जिससे इनका वेट बढ़े? हाँ यार ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, इस समय आपके एक एक कमेंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, आप इसमें बताइए। और अभी मैं एक्चुअली बाहर चल रहा था, मैं और माधव दोनों ही बाहर चल रहे हैं कि नहीं कुछ कामों की मैं लगे हुए हैं, तो कुछ अपने खुद के आउट ऑफ स्टेशन के कुछ काम है जिनकी वजह से हम लोग बाहर हैं। तो रात ही मैं आया था, सुबह शिवी आई एकदम और उनका अल्ट्रासाउंड कराया, अब मैं फिर बाहर निकल रहा हूँ। तो अभी मैं शिवी को वापस इनके घर पे, क्योंकि इनकी वेकेशन चल रही हैं, बहुत इनका मन कर रहा था अपने घर जाने का, तो मन कर रहा था। हाँ मन भी कर रहा था मेरा, तो मम्मी का ही मन लग रहा है। तो ठीक है अभी इनको घर पे छोड़ते हैं अभी और जितने दिन ये चाहे, क्योंकि माइंड रिलैक्स होना प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा आवश्यक है, जहाँ मन लगे वहाँ जाना चाहिए, मेरा अपना खुद का मानना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत दूर है ना घर, लोग कह रहे हैं जब मर्जी चाहे जब आ जाओ जब मर्जी चाहे चले जाओ, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा वहाँ पे जाके भूख खुल गई टेस्ट, मैंने कहा घर का टेस्ट चेंज हो गया ना इस वजह से। दरअसल में क्या है ये माँ इस वजह से कह पा रही है हमारी, क्योंकि हमारी माँ का खुद का जो वो है ना घर, वो भी यहीं पर शहर में ही है। तो फॉर्चुनेटली मेरा और मेरे फादर दोनों की जो ससुराल है वो बुलंदशहर में ही है। सही बात है। ठीक है तो अभी हम निकलते हैं माँ, ठीक है मैं शिवी को ड्रॉप कर देता हूँ, हम जब भी मेरे साथ जा रहा है तो हम लोग निकलते हैं। ठीक है सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा, राधे राधे सभी को, जय हिंद। डुल्लू बाय, डुल्लू बाय। डुल्लू मुझे लग रहा अपसेट हो रहा है, देखना कितना नाराज बैठा है, बिल्कुल मुंह उधर कर लिया, बैठो अच्छा आपसे मिल लूं। मेरा बच्चा आ जा, आ जा, आ जा मेरा कुची पूछी, मैं आ जाऊंगी। मैं 2-3 दिन के लिए क्या चली गई, इसका 3 दिन में बुरा हाल हो गया है डुल्ला, मेरा क्यूटी बेटी, अभी आ जाऊंगी मैं थोड़े दिनों में, ये नहीं पता कब आऊंगी बट आ जाऊंगी। बाय डुल्ला। अब हम चलते हैं, बहुत ज्यादा ही धूप है। हम चले माँ, मैं अपना काम बनाऊं माँ, लेट्स गो, लेट्स गो जल्दी जाओ। अच्छा इधर सामान है, इधर से, हाँ इधर से सामान है, उधर से बैठो आराम से जाना। हाँ जी बताना, आराम से छोड़ काम छुई छुआ कर लग रहा है, काम छुई छुआ, काम छुई छुआ, गर्मी गर्मी पाँव छुई छुआ, पाँव छुई छुआ, पाँव छुई छुआ, माँ पाँव छुई छुआ, ऐसे कहना होता है इधर ही, पाँव छुई छुआ, फार्म छुई छुआ। तो जी हम आ गए घर पे, अरे भाई अपना थाम जाम लेके आई हूँ मैं थोड़ा रील बनाने के लिए, और सब हेल्प कर रहे हैं, शिवी जिप लगा देते हैं, बाय बाय। यस बहुत गर्मी हो रही भैया, अंदर चलते हैं, लेकर कुछ हो रही होगी। दोस्तों यहाँ आते ही मुझे मिल गए चने और हलवा, उस दिन मैंने वहाँ से बनवाया था क्योंकि खाने का मन हो रहा था, तो यहाँ पे भी चने हलवा मिल गए, अब एंजॉय करते हैं मील। दोस्तों आज बन रहा है घर में कुछ स्पेशल,
क्योंकि मेरा बाहर से पनीर खाने का मन होता था, बट तरंग ने बोला कि नहीं बाहर का नहीं खाना है, कि बाहर का सब अनहेल्दी आ रहा है तो घर में बनाते हैं। तो आज तरंग घर में पनीर बना रहा है पूरा यूट्यूब पे देखे, वो यूट्यूब पे देखे ना काफ़ी अच्छी चीज़ बनाने लगा है अब जब से मैं वहाँ गई हूँ, क्योंकि जब तक मैं घर पे रहती थी तो मैं बना के खिलाती थी और अब मैं चली गई ना तो साफ बना के खुद में ही खाते रहते हैं और मेरे से ज़्यादा बढ़िया चीज़ें बनाने लगा है वो। कुछ कुछ देख के फैंसी चीज़ें होती है ना जो फास्ट फूड में लोगों को पसंद आती हैं, तो वो तो कह रहे मैं गार्लिक ब्रेड भी बहुत अच्छी बना लेता हूँ। मैंने कहा तो मेरे को बना बना के खिलाना, मैं खाऊंगी। तो अभी देखना प्रेप चल रही है उसकी, जो उसने पनीर कट किया है सही साइज में कट किया है और ये थोड़ा सा जिंजर और थोड़ा सा गार्लिक और ये इसमें रख रखे हैं, बट सारी वेजीज ये उसने कट कर लिए हैं। तो शेफ बन रहे हैं साहब, बड़ा अच्छा, मैं आपको दिखाती रहूँगी कैसे क्या बना रहा है वो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द होल रेसिपी। पता नहीं बनाने क्या जा रहा है, कि बटर मसाला क्या होता है, बटर पनीर मसाला बना रहा है या फिर कढ़ाई पनीर बनाना चाह रहा है, पता नहीं क्या बना रहा है, बट देखते हैं। ये पनीर इसमें ये था झाक के बन गए मम्मी, ये घी में पहले हमारा पनीर फ्राई हो रहा है, तरंग भी है बना रहा है ना तो इसलिए तरीके से बनेगा। और ये उसने सब तैयार कर लिया है, प्यूरी इसको अच्छा हल्का हल्का मिक्स किया है, ये इसमें ही डल जाएगा। हाँ, बाद में इसमें क्या डाला है तरंग? ये कोई नहीं, इसमें धनिया, ये है धनिया मसाला, मतलब वैसे धनिया सूखा वाला, सूखा धनिया मसाला, इसमें मसाले दही है, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा भी है क्या, जीरा का छुका हुआ, अच्छा। अरे मम्मी यहाँ पे धनिया छा रही है दोस्तों। ये बन गया है ऑलमोस्ट, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे डाल दिया इन्होंने, मैं अंदर बैठे हुए काम कर रही हूँ, इन्होंने सारी चीजें कर दी है। और ये हमारा तवा देखो, ये मम्मी लेके आई थी तवा, ये आपने देखा होगा कि जब हम लोग कहाँ जाते हैं मम्मी, कोटद्वार जा रहे हैं, तो मम्मी ने ही लिया था, पता नहीं इस पर रोटी कैसे बनेगी। अच्छा ये कुकर भी रख रखा है, तंदूरी ऐसे बनती है मुझे नहीं पता, बाबा बहुत है तंदूरी में, थोड़ा कुकर कराना चाहिए हाथों से मसल के, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब थोड़ी देर में पनीर इसमें रहने देना, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा वो। देखा ग्रेवी कम पड़ती, मैंने इसमें टोमेटोज दोस्तों ऐड किए थे क्योंकि लोगों ने टोमेटोज कम डाल दिए, नहीं ग्रेवी हो जाएगी हो जाएगी। अब देखिए आपको इसमें थोड़ी क्रीम, वो क्रीम डाल दो, अच्छा लग रहा है, खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। ये दोनों लगे हुए हैं अपनी कारस्तानी में, वीडियो देख के बना रहे हैं। मम्मी अच्छा बनेगा, खा के देख लेना, झूठी तारीफ, झूठी तारीफ नहीं करते हम, सच्ची तारीफ करेंगे। तरंग बना रहा है, तरंग बढ़िया बना लेगा ऐसे। तरंग ने भी ये पनीर हो गया, पनीर ये हल्के हल्के ही फ्राई कर जाता है वरना ज़्यादा टाइट हो जाता है, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होना चाहिए, बट ठीक है। और देसी घी में कर रहे हैं, देसी घी और हल्का सा बटर भी है ना, बटर डालेंगे। ये मम्मी आटा मलेंगे, इसमें डाली हमने कस्तूरी मेथी, धनिया और मम्मी क्या है इसमें, थोड़ी सी मैदा भी है, बहुत ज़रा सी मैदा है और आटा है। मम्मी अपने स्टाइल की रोटी बनाने की कोशिश कर रही है और बाकी ये प्यूरी तैयार हो रही है, अभी ये बटर वगैरह डाल के सब चीज़ उन्होंने एक साथ डाल दी है। ये थोड़ा अलग स्टाइल से बन रही है बट देखते हैं कैसे बनेगी। तो ये आ गए गर्मा गर्म, रोटी तो बहुत ही बढ़िया लग रही है मम्मी, क्या जबरदस्त रोटी बनी है, पूरी बढ़िया। आप सब्जी देखते हैं खाएंगे कैसी बनी है, वाह 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 क्या सब्जी बनी है। काल नमक मेरे को भी दे दो, थोड़ा पनीर ज़्यादा खाना चाहिए। हाँ मज़ा आ गया, खा के देते हैं बना कैसा है, तरंग ऐसा नहीं बनाया हमारे दोनों मिल के बनाया, मम्मी मम्मी का थोड़ा गाइडेंस रहा है बनाया, वैसे तरंग ने यूट्यूब देख रहे थे दोनों। मम्मी
मम्मी चलो नमक ले, जबरदस्त हल्का संस्कार नमक चाहिए, नमक ले, बहुत अमेजिंग बना है, मम्मी लाजवाब बना है, बहुत ही बढ़िया रोटी, बहुत ही बढ़िया लग रही है रोटी, कैसे बनाया मैंने दिखाना था मुझे लोगों को, मम्मी बताएंगे मम्मी रोटी कैसे बनाई है, देखना इस तवे पे अच्छी सिक रही है, मिट्टी का तवा लो लोग दोस्तों, आप भी कहीं मिले तो मैदा कह रही, मैदा मैंने थोड़ी सी थी ना, एक चम्मच डाली वैसे मैदा, हाँ दो ही स्पून थी वो, दो टेबल स्पून बस थी वो मैदा, बेकिंग पाउडर डाल दिया इसमें, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर कितना डाला बस जरा सा छुटके बाद, अच्छा और अच्छा और दूध से मलाया अपना आटा, दूध से मलने में ही अच्छा आता है, मम्मी ने मैदा बस नाम को डाली है, बाकी पूरा ये आटा है, और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, सॉफ्ट बनी है मम्मी, बहुत ही बढ़िया बनी है रोटियां, और बटर से ज्यादा अच्छी लग रही है, सारा खाना बन गया है ना, तो ये देखो ये दोनों पापा और उमा हम मम्मी को खिला रहे हैं, मम्मी को सब। तो जी आज का दिन रहा हमारा काफी अच्छा, क्योंकि जब तक लेवल 2 स्कैन नहीं हो जाता तो टेंशन थोड़ी रहती ही है, बट एवरीथिंग वॉज फाइन, तो इट जस्ट आई हैव टू पुट ऑन एटलीस्ट 1.5 kgs ऑफ वेट, एक किलो मेरे को इस मंथ में गेन करना है, वो इस मंथ के लिए है, और मेरा पुराना 500 ग्राम्स मेरा कम आ रहा है, तो वो मेरे को पुट ऑन करना है, मतलब एज सच कोई इश्यूज नहीं है, बट लेकिन हेल्थी रहूँ मैं और बेबी भी, तो इसलिए बस वेट पुट ऑन करना है मुझे, तो वो मैं कर लूँगी इजीली, क्योंकि मैंने डाइट, अब डॉक्टर मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें कैमरा से अलग भी सजेस्ट करी थी सारी चीज़ें, तो मैं उन पर वीडियोज बनाने लगी हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपके सामने शॉर्ट्स भी लेके आ रही हूँ इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी, तो वो सारी चीज़ें आप मैं आपके सामने शेयर करूँगी, और कोई भी क्वेश्चन हो, काफ़ी लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो मैं DM में भी आंसर कर देती हूँ, जो कमेंट्स में होते हैं मैं कमेंट्स में आंसर कर देती हूँ, तो आप पूछ सकते हैं, तो जितना मेरे को पता होगा, जितना मेरे को सही एडवाइस पता होगी जो मेरे को डॉक्टर के थ्रू मिली है, तो मैं आप तक शेयर करूँगी, एंड जो भी प्रेगनेंट है, सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो भी हैं विमेंस, और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आई आंसर दैट टू यू, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट के लिए, बहुत बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं, और अब मैं घर आई हूँ, काफ़ी टाइम रुकी भी हूँ इस टाइम में, तो सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं घर में, रह रहे हैं, थोड़ा टेस्ट चेंज हुआ है, तो फूड भी चेंज हुआ है, तो घर का खाना जैसे होता है ना कि इतने साल हो जहाँ पे रहे हो, फिर थोड़ा खाना चेंज हुआ तो और ज़्यादा खाने का मन करता है, तो मैं टच वुड खा रही हूँ अच्छे से, और बाकी मैं अपना ध्यान अच्छे से रख रही हूँ, और जो भी बाकी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो भी अपना ध्यान रखें अच्छे से, और हेल्थी डाइट लें, क्योंकि अब जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर आया था तो वैसे भी चीज़ें का ठीक होने लगती हैं, तो मेरा वॉमिट वाली चीज़ें थोड़ी थोड़ी टच वुड ठीक होने लगी हैं, तो मैं और ज़्यादा ध्यान रख पाऊँगी अपनी डाइट को लेकर अब, और बाकी मैं घर आ गई हूँ, सो आज का दिन फाइनली थैंक यू अच्छा रहा, थैंक यू भगवान जी, और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों की इतनी विशेज मुझे मिलती रहती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से तसल्ली से हो गई हैं, सो आई एम ग्रेटफुल टू दैट, दैट्स इट, एंड आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, अब हम चलते हैं सोने, खाना भी इतना अच्छा बना आज, मम्मी और तरक ने बहुत मेहनत करी तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और सब ने मिल बांट के मतलब साथ में बैठ के खाना खाया अच्छे से, तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ही, तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, ख्याल रखें अपना।